बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 12 एक्सरसाइज 9.2 मैं आपको करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 आज की वीडियो में हम इसका करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहा है फाइंड कंडीशन ऑफ टेंजेंसी एंड द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। आपने कंडीशन भी मालूम करनी है टेंजेंसी की, ठीक है, और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी भी फाइंड आउट करना है। फॉर द फॉलोइंग लाइन्स, जो लाइन्स आपको यहाँ गिवन है, एंड पैराबोलास, ऑल्सो फाइंड इक्वेजन ऑफ टेंजेंट इन ईच केस। आपने इक्वेजन ऑफ टेंजेंट भी फाइंड आउट करनी है। अब देखें यहाँ पर अब वैल्यूज गिवन है, इन जनरल नहीं है, तो अब आपको क्वेश्चन और अच्छे से समझ में आएगा। पार्ट वन हम इसका कर रहे हैं, 3 पार्ट्स इसके गिवन है, 3 के 3 पार्ट्स मैं आपको करवाऊंगी। मगर कोशिश किया कीजिए कि एक को समझने के बाद या कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आप क्वेश्चन को खुद सॉल्व करें, ठीक है। फिर कोई मिस्टेक हो या कहीं आपको जो है वो मसला हो तो फिर आप चेक कर लें, बट कोशिश किया कीजिए कि क्वेश्चन को समझ के खुद ही से सॉल्व करें, ठीक है। उससे आपको बहुत जो है वो अच्छी आपकी प्रैक्टिस रहेगी मैथ्स में, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहला पार्ट वन है, आपको सी गिवन है, सी इक्वल्स टू 2x प्लस वाई, ठीक है। अब यहाँ से हम इक्वेजन बनाएंगे y इज इक्वल्स टू 2x प्लस सी। क्यों? क्योंकि हमारे पास इक्वेजन होती है लाइन की y इक्वल्स टू mx प्लस सी, तो वो वाली इक्वेजन हम इससे अरेंज करके बना लेंगे, ठीक है। और दूसरा आपको गिवन है y इज इक्वल्स टू 10x, यानी कि पैराबोला की जो इक्वेजन है वो आपको गिवन है लाइन की और पैराबोला की। पैराबोला की है y इज इक्वल्स टू 4ax, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास दो चीज़ें गिवन हैं, अब हम इनसे बाकी तमाम चीज़ें फाइंड आउट करेंगे, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी भी, ठीक है, और इक्वेजन ऑफ टेंजेंसी। अब मैं आपको बताऊं तो अब आपको इसकी नीड है, अब आपको याद होना चाहिए, ठीक है, कि सी किसके इक्वल है, इक्वेजन ऑफ टेंजेंसी किसके इक्वल है, और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी किसके इक्वल है। अब आपको इन तीनों की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, इक्वेजन आपकी कुछ ये है, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, ठीक है, ये है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। तो अब ये वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे, ठीक है, कॉन्स्टेंट ये होगा, ठीक है, जिसे हम कंडीशन भी कहते हैं, ठीक है, और इक्वेजन ऑफ टेंजेंसी ये है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ये है, ठीक है, कॉन्स्टेंट, या फिर इसको आप कहेंगे कंडीशन, जो आपसे कंडीशन मालूम करने के लिए कही गई है ना, एक्चुअल में कंडीशन ये है, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमें ज़रूरत है सी की, वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस ए अपॉन एम की, और ए अपॉन एम स्क्वायर और 2a/m, तीनों चीज़ें हमने यहाँ पर सॉल्व करनी है। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले है वी हैव पैराबोला, हमारे पास पैराबोला क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10x इन विच, अब हम a मालूम करेंगे, और a मालूम करके हम m मालूम करेंगे। अब किस तरह से हम चीज़ें फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ देखिए, यहाँ पर है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, इसे इक्वेजन नंबर 2 कह देते हैं, और इसे कह देते हैं 1। तो आप करेंगे कंपेयर इक्वेजन 1 एंड 2, तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, तो 4a बराबर हो जाएगा किसके, 10 के, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई कर रहा है 4, वहाँ जाके डिवाइड करेगा, 2 2 ज़ा 4 2 5 ज़ा 10, तो ए तो आ जाएगा 5/2, ठीक है। नाउ इक्वेजन ऑफ लाइन, लाइन की इक्वेजन है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू सी। अब इसको हम अरेंज करेंगे, तो ये माइनस का 2x हो जाएगा उधर जाकर, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू माइनस 2x प्लस सी। अब इसे कंपेयर करेंगे विद y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी से। नाउ कंपेयर, कंपेयरिंग विद y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, तो देखिए y y एम एक्स यहाँ पर है एम एक्स, ठीक है, तो यहाँ से है m बराबर माइनस 2 के, तो m की वैल्यू आ जाएगी
माइनस टू। हमें ए और एम क्यों चाहिए थे? क्योंकि हमारे पास ए और एम, इसकी मदद से ही हम बाकी चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सी को भी हमें फाइंड आउट करना है, क्योंकि जो हमारी जनरल इक्वेजन है, ठीक है, उसमें हमें सी को भी पुट करना होता है, क्योंकि जनरल इक्वेजन होती है वाइज टू एम एक्स प्लस सी, तो हमें एम भी चाहिए सी भी चाहिए। तो एम तो हमने फाइंड आउट कर लिया, अब हम सी भी फाइंड आउट करेंगे। वी नो दैट, अब हम यहाँ लिखेंगे नाउ वी नो दैट कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, हमें कंडीशन भी फाइंड आउट करने के लिए कही गई थी तो वो फाइंड आउट कर रहे हैं। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी इज, कंडीशन क्या है? कंडीशन है सी इज इक्वल्स टू ए अपॉन एम, क्योंकि अगर इक्वेजन हो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए एक्स, तो एक कंडीशन हो जाती है सी इज इक्वल्स टू ए अपॉन एम। अब हम जानते हैं ए की वैल्यू भी और एम की भी, तो ए है इक्वल फाइव अपॉन टू के और एम है इक्वल माइनस टू के। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए, हम इसको लिख सकते हैं फाइव अपॉन टू डिवाइडेड बाय माइनस टू। डिवाइड की साइन को हम मल्टीप्लाई में बदलते हैं। अच्छा, ये सारे काम आप रफ में कर लीजिएगा, यहाँ पर जस्ट सॉल्व कर लीजिएगा। ये आ जाएगा सी इज इक्वल्स टू फाइव वन ज़ा फाइव प्लस माइनस माइनस टू टू ज़ा फोर, फाइव अपॉन फोर। तो सी की वैल्यू आ गई फाइव अपॉन फोर आ गए आपके पास कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। नाउ इक्वेजन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करें। अच्छा, मैं यही लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ, यहीं पर ही कर देती हूँ। नाउ इक्वेजन ऑफ टेंजेंट will be y is equals to mx plus, अब equation of tangent क्या होती है? y is equals to mx plus a upon m। अब ये आपने रखनी y square, y is equals to mx plus c नहीं रखना आपने, क्योंकि अगर आप c रखेंगे तो आपका आंसर जो है वो फिर चेंज आएगा। आपने क्या रखना है? y square is equals to mx plus a upon m। अब a है फाइव अपॉन टू। अच्छा, आप डायरेक्ट सी भी रख सकते हैं, सी की वैल्यू तो हमने बल्कि फाइंड आउट की भी है ना, तो हमारे लिए और इजी हो जाएगा बल्कि। तो यहाँ रखेंगे वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स ए अपॉन एम, ए है फाइव अपॉन टू और एम है माइनस टू। तो इसको तो हम सॉल्व कर चुके हैं, सी फाइंड आउट कर चुके हैं, तो डायरेक्ट रख देंगे माइनस फाइव अपॉन फोर। अच्छा, यहाँ पर भी एम की वैल्यू पुट करनी है हमने। नेक्स्ट स्टेप में मैं पुट कर दूंगी वाई इज इक्वल्स टू एम है माइनस टू एक्स माइनस फाइव अपॉन फोर। ठीक है, अब यहाँ पर आप सी, मतलब आपको मैं समझाना ही चाह रही हूँ, यहाँ हम सी नहीं लिख रहे, हम यहाँ ए अपॉन एम रखेंगे, लेकिन ए अपॉन एम सॉल्व कर चुके हैं तो आंसर उसी का लिखेंगे, यानी सी का जो आंसर आया है। ठीक है, क्योंकि इक्वेजन ऑफ टेंजेंट जो है वो इस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स पे ए अपॉन एम आता है सी की जगह। ठीक है, अब आपने फाइंड आउट करने हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। तो यहाँ तो हम लिख देंगे दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेजन ऑफ टेंजेंट दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेजन ऑफ टेंजेंट। अब आप फाइंड आउट कर रहे हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इक्वल्स टू पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इक्वल्स टू, आप जानते ही होता है ए अपॉन एम स्क्वायर और टू ए अपॉन एम। ठीक है, ये अगर आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा मेरे तो फॉर्मूलाज वाले पेज का, तो आपको फिर ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बहुत इजीली याद हो गया होगा। ठीक है, अब ए भी है एम भी है, तो यहाँ से हम पुट करेंगे ए को, ए है फाइव अपॉन टू, एम है माइनस टू इसका स्क्वायर कॉमा टू, ए है फाइव अपॉन टू
और m है माइनस टू, देखिए वाला टू तो इस टू से कैंसिल हो गया, यहाँ पर हो जाएगा फाइव अपॉन टू अपॉन माइनस टू, तो माइनस माइनस प्लस, टू टू ज़ा फोर, तो ये आ गया टू, इससे मल्टीप्लाई होगा फाइव अपॉन फोर टू ज़ा एट, फाइव अपॉन एट, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा बिल्कुल इसी तरह जैसे मैंने यहाँ से खाया था, ठीक है। और यहाँ से है फाइव अपॉन माइनस टू या माइनस फाइव अपॉन टू, ये आ गया आपके पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। तो सारी चीज़ें हमने फाइंड आउट कर ली, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंसी और कंडीशन, तो यही हमें तीनों चीज़ें फाइंड आउट करने के लिए कही गई थी, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये था पार्ट वन, थ्री पार्ट्स इसके गिवन है, पार्ट टू को सॉल्व करेंगे अब। अब देखिए सी की जगह कहीं कहीं पी भी लिखा होगा, तो आपको कंडीशन में पी फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसे कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा, ये सी ही है। थ्री एक्स प्लस फोर वाई इक्वल्स टू पी एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वेल्व वाई। अब इक्वेजन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू फोर ए वाई, पैराबोला की इक्वेजन अब ये गिवन है। तो अब आपने जो है वो ये तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करना होगा, ठीक है, इन तमाम का कंडीशन, क्योंकि एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू फोर ए वाई, तो कंडीशन ये वाली होगी, इक्वेजन ऑफ टेंजेंसी ये होगी, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ये होगा, ठीक है। नाउ उसी तरह से करेंगे, सबसे पहले हमें यहाँ लिखा है वी हैव पैराबोला, हमारा पैराबोला है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू फोर ए वाई, और हमें जो गिवन पैराबोला है वही है पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वेल्व वाई, इसको फोर वाई कंपेयर comparing equation वन and टू, equation वन और टू को compare करेंगे, x square is equals to फोर ए वाई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वेल्व वाई, तो फोर ए इक्वल किसके आ गया ट्वेल्व के, ए आ जाएगा यहाँ से फोर वन दा फोर, फोर थ्री इज़ अ ट्वेल्व, तो ये आ जाएगा ए इक्वल थ्री के। नाउ इक्वेजन ऑफ लाइन इज थ्री एक्स प्लस फोर वाई इक्वल्स टू पी, ये वहाँ चला जाएगा थ्री एक्स, तो ये हो जाएगा फोर वाई इक्वल्स टू थ्री एक्स प्लस पी, क्योंकि थ्री एक्स वहाँ गया तो माइनस का हुआ थ्री एक्स, प्लस पी वहीं था पहले से, तो पी एज इट इज़ रहा, फोर यहाँ मल्टीप्लाई करा वहाँ जाके डिवाइड करेगा, तो थ्री एक्स के नीचे भी जाके डिवाइड करेगा, पी के नीचे भी, मैंने डायरेक्टली अलग अलग लिख दिया, ठीक है। आप पहले होल के नीचे लिखें फिर अलग अलग दें, एक स्टेप बढ़ाना चाहें तो बढ़ा लें। अब आप इसे कंपेयर करेंगे विद जनरल इक्वेजन वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, यानी जो जनरल इक्वेजन है लाइन की, कंपेयर विद y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, इससे कंपेयर करेंगे, तो एम एक्स एक्स है तो ये वाली टर्म्स x m किसके इक्वल आ जाएगा माइनस थ्री अपॉन फोर के, ठीक। और यहाँ से c इक्वल आ जाएगा p अपॉन फोर के, ठीक है। अब देखें, अब आपको P फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि P को जब आप फाइंड आउट करेंगे तभी आपका क्वेश्चन प्रॉपर सॉल्व होगा। चलें तो P को फाइंड आउट भी करेंगे, P को किस तरह से करेंगे, कब हम लगाएंगे यहाँ पे कंडीशन, क्योंकि अब हमें कंडीशन मालूम करनी है। कंडीशन हमारे पास क्या होती है, C इक्वल होता है A अपॉन एम के, एक्स स्क्वायर वाली इक्वेजन है, बल्कि एक्स स्क्वायर वाली इक्वेजन में C इक्वल होता है माइनस ए एम स्क्वायर के, C एज इट इज माइनस ए है थ्री, एम है माइनस थ्री अपॉन फोर इसका स्क्वायर, C भी हमें पता है P अपॉन फोर है, ठीक है, माइनस थ्री होगा, थ्री थ्री ज़ा नाइन, फोर फोर ज़ा सिक्सटीन,
तो ये हो गया p बराबर है माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 4 9 अपॉन 16, तो जगह 4 बंदा 4 4 4 जा 16, तो p इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 3 9 जा 27 अपॉन 4, तो ये आ गई p की वैल्यू। तो ये आ गया कंडीशन, में आपको कंडीशन फाइंड आउट हो गई, पी मालूम हो गया। ठीक, अब आपने करना है आगे मजीद सॉल्व। ठीक है, कंडीशन के बाद इक्वेशन ऑफ टेंजेंसी मालूम कर ले, फिर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंसी होगी y इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस, अब हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंसी है y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस ए एम स्क्वायर। ठीक है, अब हमने ए एम माइनस ए एम स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट की हुई है, तो हम वो पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू एम पुट करेंगे, m है माइनस 3 अपॉन 4 x माइनस ए एम स्क्वायर, तो ए एम स्क्वायर पुट करें, मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेती हूँ। ए एम स्क्वायर आया था हमारे पास यहाँ से, समझ लें पी है तो ये है माइनस 27। अच्छा, ए एम स्क्वायर को पुट करना है, तो ए एम स्क्वायर है ए 3, एम है माइनस 3 अपॉन 4, इसका स्क्वायर 3 3 9, लिख के हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं करें, लिख लेते हैं फिर सॉल्व कर लेंगे। एक स्टेप लगा देती हूँ मैं एक्स्ट्रा यहाँ पर। ठीक है, माइनस ये हो जाएगा 3 3, ये हो गया 9 9 3 27, ये हो गया 4 4 16, माइनस 27 अपॉन 16। ठीक, ये आ गया हमारे पास सिंपली इक्वेशन ऑफ टेंजेंसी। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंसी के बाद फाइंड आउट करेंगे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी आपको याद है वो होते हैं 2 AM AM स्क्वायर। अब 2 एज इट इज़ रहा, ए है माइनस 3 और एम है माइनस 3 अपॉन 4, कॉमा ए है 3 और एम है माइनस 3 अपॉन 4 इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 3 6 6 3 18 अपॉन 4 और ये हो जाएगा, अच्छा ये प्लस का 3 है तो यहाँ माइनस आएगी क्योंकि ये 3 भी प्लस का, ये भी प्लस का, क्योंकि ए प्लस का है। 3 3 9 9 3 27 और 4 4 16, ये मजीद कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 2 4 2 9 18, तो माइनस का 9 अपॉन 2 और ये कैंसिल नहीं हो सकता, 27 अपॉन 16, ये आ गया पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए, इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन ये थी कि पी जो पॉइंट है ना, अगर ये है पी अपॉन 4, अगर आप इसको इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं ना, ठीक है, यानी इक्वेशन ऑफ आपने टेंजेंसी जो फाइंड की है यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंसी, तो उसे आप यहाँ रखते हैं तो कोई मसला नहीं है, इससे भी आप सॉल्व करते ही कर सकते हैं। मैंने जो यहाँ पर जो माइनस ए एम स्क्वायर रखा है ना, ठीक है, तो अगर आप इस इक्वेशन में पुट करते हैं, क्योंकि इक्वेशन ऑफ टेंजेंसी यही है, वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, सी है पी अपॉन 4,
ठीक है, तो पी की वैल्यू आप फाइंड आउट कर चुके हैं, माइनस 27 अपॉन 4, तो आप यहाँ रखते हैं माइनस 27 अपॉन 4, ठीक है, और पी के नीचे अपॉन का 4 भी है, तो पी अपॉन 4, पी की वैल्यू रखते नीचे 4 रखते, सॉल्व करते तो तब भी माइनस 27 अपॉन 16 ही आता, ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होइएगा, ये यही चीज़ है, ठीक है। मैंने डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ टेंजेंसी से फाइंड आउट की, इसलिए मेरी ये आ रही है, आप अगर इसी इक्वेशन से फाइंड आउट करेंगे जो हमने यहाँ मालूम की हुई है तो भी आपकी यही चीज़ आएगी, ठीक है। ये था पार्ट नंबर 2। पार्ट 3 है y is equals to cx and y square is equals to 8x minus 1। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफरेंट वे में करेंगे हम, क्योंकि ये बहुत जो है ना थोड़ा सा उस तरह का नहीं है जिस तरह से हमने ऊपर क्वेश्चंस किए हैं। तो इसमें देखें, हमें इक्वेशन दी हुई है y is equals to cx, ठीक है, तो यहाँ से इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं और y की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। देखें, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8x माइनस 1, इसे इक्वेशन 2 कह देते हैं। तो यहाँ से हम करेंगे पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 2 में पुट करें तो y बराबर है सी एक्स के, तो यहाँ आ जाएगा सी एक्स, इसके ऊपर लग जाएगा स्क्वायर 8x माइनस 1, सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर 8x माइनस 8x माइनस 1 है 8x माइनस 8, ठीक है। अब सबको इस साइड ले आएंगे, सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। अब हम जानते हैं डिस्क्रिमिनेंट जो है वो इक्वल होता है 0 के, तो और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये कंडीशन लगा के हम मालूम कर लेंगे c की वैल्यू, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू 0। डिस्क्रिमिनेंट कब 0 होता है? व्हेन लाइन इज टेंजेंट ऑन पैराबोला, जब लाइन टेंजेंट होती है पैराबोला पर, ठीक है। तो बी की वैल्यू है माइनस 8 माइनस 4, ए है सी स्क्वायर, सी है 8, इक्वल्स टू 0। माइनस माइनस प्लस, 8 जा 64 माइनस 4 जा 32, सी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये माइनस का है, वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, या फिर माइनस 32 सी स्क्वायर यहीं रहा, 64 वहाँ जाके माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, सी स्क्वायर यहीं रहा, 32 यहाँ डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा, 32 वन 32, 32 टू ज़ा 64, तो सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2, और अगर यहाँ से सी की वैल्यू को फाइंड आउट करें तो आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 2। सी की वैल्यू तो हमारे पास आ गई, ठीक है, कंडीशन हमारे पास आ गई प्लस माइनस 2, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे कंडीशन c इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 2। अब हमें मालूम करने हैं पॉइंट्स ऑफ टेंजेंसी, तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी भी इसमें दूसरे तरीके से ही फाइंड आउट होंगे, वो किस तरह के x और y हमें फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो अब हम करेंगे c की वैल्यू को पुट इस इक्वेशन में, इसे हम इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं, तो पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में सी की वैल्यू को पुट करें तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर, सी स्क्वायर है, अब यहाँ पे है वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट 2, ठीक है। तो यहाँ से हम माइनस की भी लेंगे तब भी जो है वो वैल्यू वही आएगी, क्योंकि प्लस का लें तब भी स्क्वायर होना है, माइनस का लें तब भी स्क्वायर होकर प्लस ही हो जानी है, ठीक है। सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 8 इक्वल्स टू 0, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 8 इक्वल्स टू 0, 2 कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा माइनस 4x, यहाँ से बचेगा प्लस 4 इक्वल्स टू 0, 2 यहाँ मल्टीप्लाई करें वहाँ जाके डिवाइड करेगा 0 के नीचे तो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस 2 ab प्लस बी स्क्वायर का, जो कि बराबर होता है ए माइनस
बी के होल स्क्वायर के। टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स पे रूट लेंगे, स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, तो x माइनस टू बराबर आ जाएगा ज़ीरो के, और x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से प्लस टू। एक्स आ गया, विथ दी हेल्प ऑफ x हम पुट करके इक्वेशन नंबर वन में y मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन वन, तो y इज इक्वल्स टू सी एक्स, ये इक्वेशन वन है, तो y इज इक्वल्स टू सी है अगर अंडर रूट टू और x है टू, तो y आ जाएगा टू अंडर रूट टू। ठीक, अब देखें दो वैल्यू आई हैं c की, अगर हम यहाँ पे c को रखते हैं प्लस माइनस, तो दो वैल्यू आएंगी y की प्लस माइनस अंडर रूट टू। c की दो वैल्यू की वजह से y की दो वैल्यू आएंगी, मगर c की दो वैल्यू की वजह से x एक ही आएगा। ठीक है, x वही आएगा, तो हमारे पास जो है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी भी आ गए यहाँ से, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी आप इस तरह से भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, x कॉमा वाई इक्वल्स टू x है टू, y है प्लस माइनस अंडर रूट टू अंडर रूट टू, टू अंडर रूट टू। ठीक, ये आ गए पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। ठीक है, मैं इसको दोबारा से लिख देती हूँ, x कॉमा वाई इक्वल्स टू टू कॉमा टू अंडर रूट टू, ये आ गए पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। ठीक, अब हमें फाइंड आउट करनी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंसी हमारे पास होती है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, तो सी देखें हैं प्लस माइनस टू, तो y इज इक्वल्स टू तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन जो है वो है y इज इक्वल्स टू सी एक्स, तो यहाँ हम पुट करेंगे प्लस माइनस c की वैल्यू है अंडर रूट टू एक्स, तो ये आ गई हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंसी। अब आपकी बुक में जो आंसर है वो आंसर जो है वो करेक्ट नहीं है, क्योंकि वही आंसर ऊपर भी लिखा है, वही आंसर नीचे भी लिखा है। ठीक है, तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर टू का पार्ट वन। पार्ट टू एंड पार्ट थ्री, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, अल्लाह हाफिज़।